कहीं धक्का ना मारना पड़े ऑटो में। तीन तीन घंटे ही मम्मी बैठी है, मैं पर आते ही माँ वाली जिम्मेदारी निभा रही हूँ। हर चीज की रिकॉर्डिंग करने स्टार्ट हो जाती है, तभी इतना पूछ रही है। फिर ना कोई पूछेगा आइसक्रीम कौन लाया तो ये मम्मी के खाने। हल्द्वानी में आने वाली तगड़ी बारिश यार, मैं तो परसों के थक गई हूँ इनकी चुगलियाँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू सोन लकी व्लॉग। दिन में के बज गए 12 से कम ही हो रहा, अभी 11:20 तो आज मैं जा रही हूँ मम्मी को दिखाने डॉक्टर के पास। मैं और मम्मी दोनों तैयार हैं, मम्मी की रिपोर्ट्स दिखानी है। कल विवेक आए थे, विवेक ने मम्मी को हॉस्पिटल दिखा दिया था। मम्मी भी तैयार है साड़ी वाली पहन के, और मैंने भी साड़ी पहनी है। देख लोगे आप, मैंने भी साड़ी पहनी है, बहुत बढ़िया लग रही है। तो गाइस सुनते हैं आपको हॉस्पिटल का कहीं क्या है, दिखाऊंगी, देखती हूँ क्या करती हूँ। चलो ठीक है, आप यहाँ के नज़ारे दिखा दो। मौसम बहुत सुहावना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मौसम हो रहा है। कितने सारे आम लगे हुए, आमों पर नज़र क्यों आती है तुम्हारे? मैं ले आऊँगी आज 5 किलो आम। वो पूछ रहे, भाभी के दोस्त पूछ रहे आपके हाथ में क्या हुआ है। बस दर्द हो रहा है, पता नहीं इस वाले हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। अगर एमआरआई कराया है। ओ मम्मी के बाल कितने लंबे हैं, चुटिया देखो मोटी। आज मैं योगी की चप्पल लेके जा रही हूँ, शूज भीग जाएंगे मुझे पता है ना। मैं अपनी चप्पल लाई नहीं, कहीं धक्का ना मारना पड़े ऑटो में। अब हम चले हैं हॉस्टल की तरफ। तो दोस्तों मम्मी चली गई है घर पर चाचा के साथ। डॉक्टर से हमारी बात हो गई है, रिपोर्ट्स दिखा दिए। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि मम्मी को सर्वाइकल है, जो कि बड़ा मतलब सर्वाइकल तो नाम सुन के डर लगता है। दर्द ज़्यादा होता है शोल्डर में, सर में, तो मम्मी का शोल्डर में है। तो अब मम्मी 1 महीना हल्द्वानी में ही रहेगी, थेरेपीज कराएगी यहाँ से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हल्द्वानी जाके अपना थोड़ा मेकओवर कर लेती हूँ, तो थोड़ा आईब्रोज और ये वैक्सीन वगैरह करवाई। तो मैंने इसका सूट नहीं किया, मैं कहा छोड़ो क्या करना है। अब मैं आ गई हूँ बीकानेर पे कुछ डोसा वोसा खाने। डोसा तो अभी आया नहीं है, मैंने ऑर्डर दे दिया है। देखिए ये है बीकानेर आपका, ये है मेरा लजीज पनीर डोसा, यम्मी। आदि गाय सोया है? आदि गाय उठ गया है, बाशु के साथ। तुमने उसे आइसक्रीम खिलाई? आदि गाय आदि रो रहा था। आदि आप रो रही थी मेरे लिए, आज घर आते ही माँ वाली जिम्मेदारी निभा रही हूँ, खाना खिलाती हूँ उसको। वासु आइसक्रीम क्यों नहीं खा रहा है? मैं नहीं खा रहा। क्यों? मुझे व्हाइट कलर पसंद है ना, मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है ना। आदि तो खा रहा है, तो मुझे पसंद नहीं है। आदि क्या खा रहे हो ये? इतनी थोड़ी है। और यहाँ पर सब आइसक्रीम खा रहे हैं, और ये कावे की छोटी सी चम्मच। कावे दिखाओ, और बाट कौन रहा है? चटोरी जी। ओ माय गॉड, योगी कितनी कम दे रहा है। भाई गॉड, इतनी कम नहीं दे रहा है। कम और छोड़ो, छोटा बर्तन मिल गया थोड़ा। ये आइसक्रीम तो मावे ही नहीं हो गई है, आइसक्रीम तो है ही नहीं इसमें, आइसक्रीम का क्रीम हो गया ये। पर जो मेरे से बोल रही है स्ट्रॉबेरी और यारी पर चल रही है। मैंने अम्मा से पूछा, आदि वासु खिला रहा है, आदि खिला। मैंने कहा अम्मा कैसी हो रही है, कह रही आइसक्रीम कैसी हो रही है। आदि वासु खिला रहा है, वासु खिला, आदि खिलाओ वासु को, वासु को खिलाओ, खिलाओ। नहीं खाने की आ रही नहीं है बस। काव्या, वो काव्या तुम्हारे सर में किसने लेते पोड़ रही है, दिखाओ। आदि अब नहीं है क्या?
बहुत ही पाउडर डाला है, इसे धोना पड़ेगा सर तुमको। ये देखो इसकी जड़ों में भी आ गया ये। आदि कुछ मत करो, आदि को छोड़, हटो सब हटो, ऐसे बाथरूम में बंद कर देती हूँ, हटो बाथरूम बंद करती हूँ, चल उसको मत करो, इनको करो, ये सबसे बड़े, ये सबसे छोटे बच्चे तो ये बन जाते हैं, ये अगल बगल वाले क्या कह रहे होंगे, कैसे बच्चे हैं। हमने किया हल्द्वानी माने वाली तगड़ी बारिश, बारिश तो आने वाली है, आदू आएगी क्या नहीं है। तुम तो करते है बेटा, अच्छा कुछ शर्म नहीं, कुछ शर्म नहीं, बताओ सुबह बताएगा अपना कर रहा है, झूठ ना कर रहा है मेरा, अपना कर रहा है अपना, फट करता फट कर मगा दे गली मोहल्ले में बदनाम कर रहे हैं भाभी को, हाथ अपना कर रहे, नाम मेरा लगा रहे वो, देखो वो कटप्पा आ गया, वो कटप्पा आ गया येलो वाला डोंट बना फिर है यार इसका, सही है दूसरे की साइकिल में भी राज कर रहा है, तो इसके ही मजे हैं, पैडल ही नहीं मार रहा है, पैडल मार आदि, भाभी ये बड़ा राज कर रहा है दूसरों की साइकिल में, मैं बच्चों की साइकिल चला रहा हूँ, अरे बस आ दो बाय दे दो उसको, आ दो भैया को थैंक यू बोल दो, थैंक यू बोल दो, थैंक यू भैया, आप थैंक यू। इन लोगों की तो घर की चुगलियां ही खत्म नहीं होती यार, ये कैसी जिंदगी हो गई है, और मैं यहाँ पे सुन सुन के पागल हो गई हूँ, घर वाले प्रूफ दे देंगे कि हाँ चुगली इधर से चुगली तो जाएंगी यार, मैं तो परसों के थक गई हूँ इनकी चुगलियाँ, मेरे कान पक गए, मत बोल, घर वाले भी हैंड प्रूफ कर देंगे कि चुगलियाँ इधर से जाती है, हल्द्वानी की बातें दिल्ली से, दिल्ली की बातें इधर, ये डिलीट नहीं होगी, ये वीडियो डिलीट नहीं होगी, ये वीडियो डिलीट नहीं होगी, अभी देख रहे हैं। अरे मम्मी दिल्ली चल रहे हो, ये हर चीज रिकॉर्डिंग होने स्टार्ट हो जाती है, जाओ दिल्ली चल रहे हो, मम्मी को तो बन जाएंगे, एक बहाना, दूसरा बहाना, तीसरा बहाना, बोल जल्दी, ये देखो भगत सिंह बोल रहे हैं यहाँ पे, नन्ना नारद मुनि, एक काम करो हम तेरा को उभर आ रहे हैं, तब चलना तब मगा लो तेरा, पलट्रप की आमा पूछ रही है, पड़ोस वाली आमा है हमारी, वो मतलब पापा की बुआ है, हाँ क्या क्या खाना है, क्या खाना है, चुपक चिप्स, तो गाइस अब हम जाएंगे आदि के लिए चुपा चिप्स लेने, नहीं जाएंगे, मेरे को भी लेने, नहीं जाएंगे आदि को चुपा चिप्स लेने, क्या कैसा मौसम हो रहा है, खुला खुला कहीं घूमने चल लें, ऐसे क्यों देख रहे हो, ओ मम्मी दिल्ली चल रहे हो, हाँ अच्छा आमा दिल्ली चल रहे हो, हाँ अरे आमा तो एनी टाइम तैयार रहती है यार, घोड़े पे सवार रहती है आमा चलने को, आमा चलोगे, क्या करोगे आमा वहाँ, खाली खाली मेरा काम बढ़ेगा, और रहने दो यही रहो आप, सुबह हम चवासू चल रहे हो, नहीं पक्का देख लो, प्रॉमिस वासू सुबह तुम काव्या, काव्या तुम चलोगे, चलोगे काव्या को ले जाऊंगी मैं, काव्या ले जाओ चलो, है डिम्पल काव्या एक साथ, ठीक है मुंह से बोलो ना, शर्म कितनी आ रही इसको, देखो अगले साल ना छुट्टियों में, ठंडे के दिन में, कब आओगी, ठंडों के दिन में, ठंडों के दिन में, ठीक है आइसक्रीम खाऊंगी तुम्हें, ठीक है ठीक, मम्मी आपने आइसक्रीम खाई, योगी मम्मी के लिए आइसक्रीम ले आओ यार, सब ने आइसक्रीम कैसा आई है, जो
कल धनिया आया था घर से, वो धनिया बेच के भाभी ने पैसे लिए और उसके आइसक्रीम लिए। धनिया बेच के लाए हम आइसक्रीम, तभी इतना पूछ रही है। फिर ना कोई पूछेगा आइसक्रीम कौन लाया, तो यही मम्मी के खाने के लिए लाएंगे। धनिया बेच के मम्मी ने उगाया था धनिया, बहू ने बेच दिया और उसकी 500 रुपए का धनिया बिका, 500 की आइसक्रीम ले आई, है ना? 5 किलो था, 500 रुपए का धनिया बेच दिया। ये देखो अब बुआ हिला रही, अब शुभम वासु के दांत, अब शुभम का दांत टूटेगा वासु का। देख लो देख लो देख लो, जो बनाया मैं खा लेती हूँ, और मुझे दही पसंद आया बाहर खा के आ जाती हूँ, लेकिन मुँह से कुछ नहीं बोलती हूँ, जो बनाया जिसे बनाया खा लेती हूँ। पीयूष गलत कह रही हूँ, अब सुनना ही पड़ेगा, बल भाभी सामने बैठी है, चाची बना रही है रोटी, चाची को गुस्सा आ रहा है कि रोटी बनानी पड़ी। चाची सबका यही हाल होता है, हम भी बनाते थे हमें भी गुस्सा आता था। आज घर में 2 सब्जियां बनी है, ये किस चीज की सब्जी है चाची? और ये वाली, अच्छा, और कद्दू भी बनाया बाप, भाभी गई थी मेरे से कद्दू बनाया। ये मम्मी बर्तन धो रही है, मम्मी 5 मिनट यहीं पर खड़े रहना, सारे बर्तन खाली करके दे देती, धोएगी नहीं? जितने ऐसे इमोशनल होके बात मत कर, मेरे को आंसू आ जाएंगे। ये देवरानी और जेठानी किचन में खड़े होके एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं, मैंने पकड़ लिया इन दोनों को, और ये बंद हो गए, इनके मुंह ही बंद हो गए यार। ये अब मैं चली जाती हूँ, फिर करेंगे।